एवरीवन, दिस इज मी सीएस मास ग्लानी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मास इलेक्ट्रॉनिक्स। भाई 2023 आ चुका है, 2023 में एक बम चीज ना आए ना तो उस चीज का फायदा नहीं। भाई 2023 में आज लेके आया हूं भाई इनविरेक का सबसे लेटेस्ट मॉडल 2023 का, जो है विरोन 6 किलोवाट और विरोन की सीरीज सेकंड सीरीज में से इन्वर्टर है और ये इनविरेक का टॉप हाई क्वालिटी इन्वर्टर में से एक इन्वर्टर है। तो ये एक इन्वर्टर है आपके घर के लिए, अगर आप अपने घर में लगाना चाहते हैं, अपने ऑफिस में लगाना चाहते हैं, अपने मुकम्मल जो है शॉप को करना चाहते हैं सोलर पे, तो आपके लिए ये बड़ी बेहतरीन चीज है। तो आज हम इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके मुकम्मल जो है फीचर्स के बारे में डिटेल से जो है डिस्कस करेंगे। इसके साथ कितनी प्लेटें लग सकती है, क्या क्या इसकी रेटिंग है, कितने एम्पेयर्स हैं, कितनी बैटरियां लगती हैं, प्योर साइन वेव है या नहीं है, और इसके अंदर नया क्या कंपनी ने इस बार फंक्शन दे दिया, क्योंकि पहले आ रहा था विरोन सीरीज का 5.2 मॉडल, अब वो बंद हो चुका है, मुझे लगता है वो अब मॉडल नहीं आएगा, तो अब आएगा ये 6 किलोवाट का ये वाला इनविरेक्स का इन्वर्टर। तो अगर आप में से जो है कोई नए इन्वर्टर की तलाश में है या अपने घर में 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना चाहता है, तो आप सब दोस्तों के लिए ये बेहतरीन जो है वीडियो है। इस वीडियो को मुकम्मल देख लीजिए ताकि आपको जो है नई से नई चीजें या नई से नई इंफॉर्मेशन इस इन्वर्टर के रिलेटेड जो है मिल जाए। तो टाइम को ज्यादा जाया नहीं करते हैं, शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताऊंगा इसके क्या क्या फीचर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या चीजें आप लगा सकते हैं। लीजिए दोस्तों, ये आ चुका जी इनविरेक्स की तरफ से हमारे पास इनविरेक्स ब्रांड का मुकम्मल जो है इन्वर्टर, और ये वीडियो इनविरेक्स की तरफ से स्पॉन्सर नहीं है भाई, खुद ही कर रहे हैं, ये इनविरेक्स की तरफ से कोई स्पॉन्सर नहीं है। कभी इनविरेक्स वाले खुश हो जाए कि हमने स्पॉन्सर में दे दी है, या आप लोगों को लग गया हो कि स्पॉन्सर में आया, हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं है इनविरेक्स का, ये अपनी तरफ से मैं बना रहा हूँ वीडियो। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इनविरेक्स की तरफ से मुकम्मल ब्रांडिंग हुई है, बिल की फिक्र से बेफिक्र, वाह यही टैगलाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। और उसके बाद PV 6500 वाट का सोलर MPPT चार्ज कंट्रोलर है, जिसके साथ मैक्सिमम रेंज 120 से 430 वोल्ट है, 27 एम्पेयर का मैक्सिमम एम्पेयर का जो है कंट्रोलर इसका अपना है MPPT, और 600 वाट तक के पैनल इसके साथ आप लगा सकते हैं। विरोन सीरीज का मॉडल है, 5 ईयर की वारंटी है, जिसमें 2 ईयर इसकी प्रोडक्ट वारंटी है, 3 ईयर जो है इसकी सर्विस वारंटी है, साथ में विदाउट वर्किंग है बैटरी के, यानी कि बगैर बैटरी के अगर आप चलाना चाहते हैं तब भी चल सकते हैं, डुअल MPPT है, पैरेलल ऑपरेशन है। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं बाहर और फिर देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या है। तो लीजिए जी, कर लिया जी हमने अनबॉक्स करते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन किस्म का भाई इन्वर्टर है। और उसके बाद इसके अंदर से सबसे पहले निकलती है क्या क्या चीज़ें वो दिखाता हूँ भाई। इसके निकलती है वाज पावर की स्पेशल अपनी सॉफ्टवेयर वाली CD, साथ निकलता है इसका अपना यूज़र मैनुअल, जब आप फिटिंग कर लें तो आप इसको यूज़ करना सीख सकते हैं, और इंस्टॉलेशन की कंप्लीट गाइड बताई है कि किस तरह इंस्टॉल करना है, और साथ में इसके साथ दिया जाता है इसका ओरिजिनल वारंटी कार्ड, जो कि आप किसी भी इन्विरेक के सर्विस सेंटर से क्लेम करवा सकते हैं। तो ये आ चुका है जी विरोन का हमारे पास इन्वर्टर, जो कि इनविरेक्स की तरफ से है, यानी कि इनविरेक्स का है, और इनविरेक्स टॉप पे ब्रांडिंग है। LCD इस बार साइज छोटा कर दिया गया है, सिर्फ कैपेसिटिव टच बटन नहीं है इसके जो है प्रेस करने वाले बटन है, साथ में 3 LEDs लगाई गई हैं स्क्रीन के ऊपर। और उसके बाद विरोन की अपनी ब्रांडिंग हुई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विरोन 2 लिखा हुआ है, कॉशन लिखा हुआ है, और सबसे अच्छी बात है एंटी डस्ट किट इनके अंदर आती है, और उसके बाद सबसे अच्छी बात है प्योर साइन वेव है इसके साथ, पैरेलल करके आप काफ़ी सारे जो है यूनिट्स आपस में लगा सकते हैं। अब बहुत से लोग कहेंगे महज भाई इसके कितने एम्पेयर तक की हम मैक्सिमम बैटरी लगा सकते हैं और कितने बैटरियां लगा सकते हैं। भाई इनविरेक्स का जो 5 किलोवाट से ऊपर की जितनी भी सीरीज है उनके ऊपर 48 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं, चाहे वो लिथियम में हो चाहे वो जो है टाल ट्यूबुलर में हो, आपने 4 बैटरीज लगानी हो साथ में, आपको मैक्सिमम जो है 150 या 200 एम्पेयर तक की मैक्सिमम बैटरी तो मिनिमम तो लगानी चाहिए, मैक्सिमम 250 एम्पेयर पर भी जा सकते हैं। इनविरेक्स की ओरिजिनल बैटरियां भी होती हैं वो भी लगा सकते हैं। और उसके बाद प्लेटें जो है आप इसके साथ 550 वाट के 10 पैनल लगा सकते हैं, जिसमें 5 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग होगी, 5 सोलर पैनल की एक स्ट्रिंग होगी, अगर आप 600 वाट के लगाना चाहते हैं तो वो भी इसके साथ आसानी से लग सकते हैं, क्योंकि 27 एम्पीयर की रेटिंग है इसके चार्ज कंट्रोलर की, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और उसके बाद इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई इसके अंदर इस बार कंपनी ने दिया है डुअल आउटपुट वाला ऑप्शन, जो कि नेटवर्क सीरीज में आ रहा था, विरोन में कंपनी ने आज तक नहीं दिया, तो इस बार कंपनी ने जो है विरोन के अंदर भी जो है डुअल जो है आउटपुट का ऑप्शन दे दिया, यानी कि डुअल से मुराद ये है एक आउटपुट के ऊपर आप अपने घर की लाइटें पंखे फ्रिज ये चीज़ें कर सकते हैं, और दूसरे आउटपुट के ऊपर आप
पानी वाली मोटर और अपना एसी वगैरह जो हैवी लोड है वो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही लाइट जाएगी आपका लाइट लोड चलता रहेगा, हैवी लोड ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, और जैसे ही लाइट आएगी आपका हैवी लोड चल सकता है। लेकिन एक इसके अंदर ये भी सेटिंग कर सकते हैं कि लाइट गई है, आपका सारा सिस्टम बैटरी पर आ चुका है, तो जब तक बैटरी की आपने रेटिंग एक एडजस्ट नहीं की होगी उस टाइम तक आपका मुकम्मल हाई लोड चलता रहेगा, एसी वगैरह जो भी चीज़ें होगी, जैसे बैटरी कैपेसिटी लो होगी वो ऑटोमेटिक हाई लोड को बंद करवा देगा, आपका लो लोड चलता रहेगा जिसके अंदर आपकी लाइटें पंखे वगैरह जो छोटा अप्लायंसेज वाला सिस्टम जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। और इसके आप साइड में देखते हैं भाई साइड पे क्या क्या हमें देखने को मिलता है। साइड पे यहाँ पे मिलती है आपको एंटी डस्ट किट, यहाँ पर एक स्पेशल एंटी डस्ट किट लगाई गई है, और दूसरी साइड पर भी इस तरफ जो है एंटी डस्ट किट लगाई गई है, साथ में इसकी यहाँ पर एक मुकम्मल जो है एक स्पेसिफिकेशन चार्ट है जिसके अंदर आपको रेटिंग मिलती है 6000 वाट की, 48 वोल्ट 137 एम्पीयर है, और उसके बाद मैक्सिमम आप इसके साथ 6500 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, 120 वोल्ट है, 500 वोल्ट 450 वोल्ट तक की मैक्सिमम इनपुट है सोलर वोल्टेज की, इनपुट करंट मैक्सिमम 27 एम्पीयर है, IP21 है, और बहुत ही कमाल की भाई प्रोडक्ट है। इन्विरेक्टिव में आपको पता है मेरे घर में भी 5.2 किलो वाट का इरोक्स का लगा हुआ है, तो उसके ऊपर भी मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है, और भाई वो चल रहा है कम से कम तीन साल से बेहतरीन लगातार इन्वर्टर चल रहा है। थोड़े कॉस्टली इन्वर्टर जरूर है इन्विरेक्स के, मैं ये एक चीज कहूंगा कॉस्टली जरूर है लेकिन चीज पायदार मिल जाती है। लेकिन मैं एक चीज से इन्विरेक्स से जो हूं खिलाफ हूं कि कॉस्ट भी बहुत ज्यादा करते जा रहे हैं दिन ब दिन, इनको कॉस्ट अपनी मेंटेन करनी चाहिए अपने मॉडल के अंदर, क्योंकि डेली जो है ना रेट बढ़ने वाला काम वो गलत है, और इस तरह इनके प्लेटों के अंदर भी इस तरह रेट ऊपर नीचे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और पैनल्स के ऊपर भी और इन्वर्टर पर भी। उसके बाद नीचे वाली साइड पर यहां पर देख सकते हैं भाई, यहां पर आपको मिलती है स्पेशल IBM जो है BMS या पैरेलल करने के लिए स्पेशल जो है कम्युनिकेशन करने के लिए बैटरीज की आपस पे पोर्ट, और कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट है, USB के लिए सॉफ्टवेयर करने के लिए पोर्ट है, उसके बाद ब्रेकर है यहाँ पर, उसके बाद AC इन AC आउट के दो पोर्ट हैं, PV लगाने की स्पेशल पोर्ट है, आने की स्पेशल पोर्ट है, और ऑन ऑफ करने के लिए अलहदा डेडिकेटेड बटन दे दिया गया है ताकि आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकें, क्योंकि एरोक्स के जितने भी दूसरे मॉडल थे उसके अंदर अलहदा बटन नहीं था, उसको LCD के ऊपर ही बटन था, वहीं से आपको करना पड़ता था। तो लीजिए जी अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं जी, आज मैं इसको टॉप को इसके कवर को उठा के दिखाता हूँ, और उठा के आप यहाँ पर आप देख लेंगे कि किस तरह का इसके अंदर जो है मुकम्मल फिटिंग इस बार कंपनी ने बनाई है, क्योंकि ये आपको जो है मैकेनिक ही खोल के दिखा सकता है, वरना आम बंदा कोई भी नहीं खोलता इसे। तो मैकेनिक से मुराद ये है कि हम भी मैकेनिक ही समझ लें, हमें हम भी आपको खोल के दिखाएंगे कि आखिर किस तरह का है इसके नीचे। और इसके नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई स्पेशल जो है जगह बनाई गई है, ये है डुअल आउटपुट के लिए स्पेशल जगह, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डुअल आउटपुट के लिए जगह है, लाइन वन लाइन टू यहाँ पर डुअल आउटपुट होगी, उसके बाद ये PV की है, ये बैटरी की स्पेशल जगह, दो डेडिकेटेड फैन है इसको कूल रखने के लिए, और अर्थिंग के लिए भी पैरेलल पोर्ट लगाने के लिए भी यहाँ पर स्पेशल जगह बनाई गई है, तो पैरेलल पोर्ट भी आपने यहाँ लगानी है भाई। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस बार जो कंपनी ने ये 6 किलोवाट का बना दिया ना भाई, ये 2023 में धमाका है, क्योंकि 2023 में अगर आप अच्छा इन्वर्टर चाहते हैं ना, कि आप चाहते हैं भाई लॉन्ग टर्म हमारी चीज़ चले, तो इन्विरेक्स की तरफ जा सकते हैं अपने ऊपर अगर आपका बजट है। अगर आपका बजट कम है तो आप और बहुत सी कंपनीज हैं उनकी तरफ भी आप ले सकते हैं, सब कंपनी अच्छी चीज़ बना रही हैं, लेकिन इन्विरेक्स जो है मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि महंगी प्रोडक्ट ज़रूर है लेकिन भाई पायदार होती हैं। तो मैं इसको जल्दी से बंद कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप इसके ऊपर क्या क्या लोड चला सकते हैं। तो भाई अब बारी आ चुकी है इसके ऊपर ये बताने की कि मैक्सिमम क्या क्या लोड चला सकते हैं अपने घर का। भाई अगर आपके घर में आप इन्वर्टर लेने से पहले आप कहते हैं भाई मेरे घर में पंखे हैं, लाइटें हैं, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पानी वाली मोटर है, 1.5 टन के AC हैं, तो आप लोगों के लिए बेहतरीन इन्वर्टर है, क्योंकि इसके ऊपर आप पंखे लाइटें आराम से चला सकते हैं, वो तो चलने ही चलने हैं। इसकी सबसे अच्छी खास बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपने बैटरियाँ अभी नहीं लेनी, आपने सिर्फ इन्वर्टर परचेज किया, आप चाहते हैं मैं डायरेक्ट दिन में चीज़ें चलाना चाहता हूँ, तो दिन में चलाने के लिए ये बेहतरीन इन्वर्टर है, क्योंकि आप इसको विदाउट बैटरी भी चला सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है 6000 वाट का, जिसके आप 1.5 टन के 2 AC लगातार आराम से दिन में चला सकते हैं, बैटरी लगा लेंगे तो अच्छी बात है, हाइब्रिड मोड पे हो जाएगा, और रात में भी आपको ये बैकअप अच्छा देने वाला है। और इस इन्वर्टर के ऊपर जो है आप पंखे लाइटें फ्रिज के अलावा भी आप इसको पानी वाली मोटर भी चला सकते हैं जिसको कहते हैं लाल पंप, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं भाई पानी का गर्मी में बड़ा मसला होता है, हम चाहते हैं कि बिजली की बचत करें, बिजली की वजह महंगी होने की वजह से पानी वाली मोटर जब भी चलाते हैं तो बिल बहुत आता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए आप इसको एक दफा इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आपका एक तो सब चीज़ों का बिल हाफ से भी बहुत कम हो जाएगा, और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर नेट मीटरिंग भी आप कर सकते हैं, और पैरेलल करके आप 6 किलोवाट को 12 कर सकते हैं, 12 को 24 को इस तरह बढ़ा सकते हैं जितना मर्जी आप चाहें, और ये काफी अच्छी चीज है।
तो ये थी आज छोटी सी वीडियो जिसके अंदर मैंने सोचा आपको इन्वेक्स के बारे में थोड़ी डिटेल बता दूं। और सबसे अच्छी बात इस इन्वेक्स की ये भी है कि प्योर साइन वेव में आता है, और जिन लोगों को नहीं पता प्योर साइन वेव का क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो अलहदा यूट्यूब पर सर्च करके भी दे सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक बड़ा डिटेल टॉपिक होता है और प्योर साइन वेव के ऊपर। तो इसलिए ये प्योर साइन वेव होने की वजह से आपके अप्लायंसेज को ख़राब होने से भी बचाएगा। कन्फर्मल कोटिंग की जाती है इसके अंदर, और उसके बाद LCD डिस्प्ले का इस बार नया कर दिया गया, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। बस इसके अंदर एक नुकसान ये किया कि LCD ना ऊपर पक्की फिट कर दी, ये गलत है, क्योंकि इन कंपनी को चाहिए था कि अलहदा LCD या तो साथ देते या तो एक रिमूवेबल LCD होती ताकि बंदा अलहदा उतार के कहीं और यूज़ कर सके। तो ये थी भाई छोटी सी वीडियो से इन्वेरक 6.5 किलोवाट ही कहेंगे, वैसे तो 6.5 तक का पैनल लगता है, तो 6 किलोवाट के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी ये छोटी सी अनबॉक्सिंग टेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये इन्वेरक का इन्वर्टर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सअप का, वहाँ से चाहे रब्ता कर सकते हैं, इसका लेटेस्ट रेट मिल जाएगा। मैं वीडियो में रेट नहीं बता रहा क्योंकि डॉलर की वजह से भाई बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे होते हैं रेट, तो फिर बंदा बाद में सही नहीं लगता कि भाई बताया वीडियो में क्या रेट था, अब क्या रेट बता रहे हो आप हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इन्वेरक के इन्वर्टर्स के अंदर इनके रेट्स में, तो इसलिए मैं वीडियो में अब नहीं बताऊंगा। तो अगर तो आपको रेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से जाए रब्ता कर लें। और नए से नए इन्वर्टर के ऊपर वीडियो आने वाली है, लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्वर्टर के ऊपर वीडियो आने वाली है, ज्यूनिक फॉर ओनर्स इनवेरक्स श्योर सोगो सब कंपनियों के इन्वर्टर के ऊपर नई लेटेस्ट इन्वर्टर पर सब भी वीडियो आने वाली है। तो वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।